हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट स्टैंडर्ड एट फर्स्ट आपका वंदना लेसन फर्स्ट वंदना वंदना मतलब वर्शिप। फर्स्ट श्लोक है जय 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 हे भगवती शूर भारती तव चरणों प्रणमाम नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। इसमें गॉडेस सरस्वती मतलब इसमें बोला गया है, मैं आपको हिंदी में एक बार बताती हूँ। हे सरस्वती माँ, मैं हम लोग आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे सुर भारती मतलब स्वर की देवी, स्वर की देवी हम आपको प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, हे नाद और आवाज़ धुन जैसे नाद ब्रह्ममय राग की देवी वागीश्वरी वाणी की देवी हम आपकी शरणम ते गच्छाम हम आपकी शरण में आए आपको हम प्रणाम करते हैं। फर्स्ट फिर इंग्लिश में ओ गॉडेस सरस्वती ग्लोरी बी वी आर बॉविंग डाउन एट योर फीट ओ गॉडेस ऑफ स्पीच विथ ए वॉइस लाइक गॉड्स गुड्स ग्लोरी बी वी आर गोइंग अंडर योर प्रोटेक्शन हम आपके शरणों में जाएं हम आपकी रक्षा में रहें आपके प्रोटेक्शन में रहें। फर्स्ट सेकंड है आपका त्वमसि सरड्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचि भरणा तुमस शरड्या त्रिभुवन धन्या आपकी शरण में जाके तीनों त्रिभुवन त्रिभुवन मतलब तीनों लोक पृथ्वी लोक और आकाश पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक तीनों लोक आपकी शरण में जो तीनों लोक के व्यक्ति या तीनों लोकों में जो आपकी शरण में गए वो धन्य हो गए हैं। हे ज्ञान की देवी आपकी शरण में जो भी गया वो धन्य हो गया। सूरमुनि मोहन सूरमुनि वंदित चरणा सूर मतलब देवता और मुनि मतलब ऋषि मुनि आपके चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा कविता कोई पोयम लिखा जाता है या कोई सॉन्ग होता है तो उसमें नवरस नवरस मतलब नाइन रसास नवरस ये जो है आपकी कफिरा उसी की तरह आपके ये मुखरा मतलब आपका चेहरा वो नवरस कविता की तरह लगता है। स्मित रुचिरा रुचि भरणा आपकी ही कृपा से हमें जो कुछ भी हमें याद रहता है हमारे दिमाग में जो कुछ याद आपकी ही कृपा से हमें याद होता है। इंग्लिश में आप ओ गॉडेस यू गिव रिफ्यूज यू आर प्रेस वर्दी इन दियर वर्ड्स वर्ल्स वन एट हुज फीट गॉड एंड स्टेंस बाउ डाउन स्वीट ड्यू टू द नाइन रसास वन हु हैज लॉट्स ऑफ वर्ड्स लाइक डिस्क्रेसिव पोयम द वेयरिंग ऑर्नामेंट्स दैट शाइन ब्राइटली ड्यू टू द ब्रिलियंस ऑफ योर स्माइल। थर्ड है आपका असीना असीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशिधवले हर जड़ताम बुद्ध कुर बुद्धि बोध विकाशम सित पंकज सित पंकज तनु बिमले असीना भव मानस हंसे। इसमें कहा गया है इसमें स्टूडेंट्स ने कहा है कि हे सरस्वती माँ आप हमारे मानस हंसे मतलब दिमाग रूपी आसन पे आके बैठ जाओ और कुंद तुहिन तुम्हारा ये कुंद के जैसे मोगरा के फूल जैसे जो चेहरा है और शशिधवले और बर्फ के जैसे शशिधवले मतलब सफ़ेद रंग का बर्फ के जैसे तुम्हारा ये सफ़ेद रंग फूल जैसा चेहरा हर जड़ताम पुर बुद्धि विकाशम आप हर मूर्खों के में बुद्धि का विकास करने वाली हर जड़ताम जड़ताम मीन्स मूर्ख को के बुद्धि में विकास करने वाले शीत पंकज तन बिमले आपका जो शीत पंकज आपके पैर आप जो पंकज रूपी सफ़ेद रूपी पंकज मतलब फ्लावर लोटस फ्लावर पे जो विराजमान हो वह तमले स्वच्छ दिखाई दे रहा है। थर्ड इंग्लिश में आप ओ गॉडेस हु आर फेयर लाइक द मोगरा फ्लावर स्नो एंड द मून बी सीटेड ऑन माई श्वान लाइक माइंड मतलब मेरे हंस रूपी जो हंस जैसा मेरे दिमाग में हंस रूपी जिस पे आप हंस रूपी आसन पे बैठती वैसे मेरे दिमाग रूपी आसन पे आके बैठो टेक अवे द लेथी एंड डेवलप माई इंटेलिजेंस आप मेरे मतलब अच्छाइयों को डेवलप करें। लास्ट है
ललित कलामय ज्ञान विभामय। ललित कला मतलब अनेक कलाओं से युक्त, अनेक कलाओं मतलब अनेक आर्ट जिसके अंदर हो बहुत सारे। ज्ञान विभामय मतलब ज्ञान का दीपक जलाने वाली। बीड़ा पुस्तक धारणी, बीड़ा और पुस्तक धारण करने वाली, लेने वाली। मति रास्ता नो तो पद कमले ऐकुंठ विहास विषहारणी। मति रास्ता हम सब आपको प्रणाम करते हैं और कुंठ विहास आपके चरण कमल में प्रणाम करते हैं। मति रास्ता मतलब नतमस्तक होते हैं। ऐ कुंठ विषहारणी, ऐ मतलब हेमा, कुंठ विषहारणी गले का विष हरण करने वाली, गले का जो पॉइजन है या विष है जो हम किसी को कर्कस ऐसा वर्ड बोलते जिस दूसरे को अच्छा न लगे उसका वो विष हरने वाली। ललित कलामयी हे ज्ञान की देवी, अनेक कलाओं से युक्त विभामय ज्ञान का दीपक देने वाली, आपकी बीड़ा पुस्तक धारण करने वाली। मति रास्ता हम लोग नतमस्तक हैं आपके चरण कमल में, जो आप गले का कुंठ मतलब हमारे गले का विष हरण करने वाली हो। ओ गॉडेस विथ अट्रैक्टिव स्किल्स विथ द ब्रिलियंस ऑफ नॉलेज होल्डिंग ए वीना ए बुक रिमूवर ऑफ द पॉइजन द मेंटल स्टिलनेस मे आवर इंटेलिजेंस रेस्ट एट योर लोटस लाइक फीट। कि आप हे ललित, लास्ट अभी आपका ग्लोसरी है, शूर भारती गॉडेस ऑफ स्पीच, वागीश्वरी गॉडेस ऑफ स्पीच, असिना सिटिंग कुंद फ्लावर ऑफ जैस्मिन, तुहिन आइस शशि द मून, धवल वाइट पंकज लोटस, तनु बॉडी मति इंटेलिजेंस अस्ताम मे बी। आपको इसका ट्रांसलेशन बता दिया और इसका ट्रांसलेशन और ग्लोसरी जो भी है नोट्स बना के हम लिख के देंगे। थैंक यू।